ये सारे क्यों खड़े हो गए? हमको होस्टल में शेयर करना है। तो ठीक है चलो फिर अंदर बना लिया ना। दूर दूर बैठो आप लोग। चलो ड्रेस लिखने के बाद पूछूंगी पूरा मैं भैया की जैसे करूंगी जैसे भैया को करी ना वैसे। आज आप लोगों की रिमांड है बस जीरे थोड़ा कल्पना किसकी प्रेरणा देती है साइकिल चलाने की? नहीं मैम मॉर्निंग में साइकिल चलाने की? नहीं मैम मैम बोलते हैं कि चंद्रेश को फोन करना है चंदू और बात करना है साइकिल चलाने का प्लान कर इसकी प्रेरणा देती है। हम साइकिल पर चले मैम। हम मैम हमारे कल्पना कल्पना युवाओं को हवा में उड़ने की कौन सी है वो युवाओं को मैम भारत के भारत के क्या युवाओं को अरे कहना क्या चाहते हो? हवा में उड़ने की प्रेरणा देती है भारतीय युवाओं को हवा में सदा होगा या संदा सदा होगा सदा आकाश में उड़ने की लिखो लिखो आप लिखो कुछ अभी जो मैंने बोला भारतीय युवाओं को सदा आकाश में उड़ने की प्रेरणा देती है। तो आप पूरा इससे करो नंबर वाइज करो फिंगर रख रख के करना। हाँ इधर इधर ये देखो ये देखो इनको दो इन लोगों को देखो पुलिस क्या सो गाइस ये इतने पढ़ाकू बच्चे हैं ऊपर पढ़ के इतने पढ़ गए हैं यार। हमारी टीम ने मैच नहीं जीता। हाँ जीत सकी। क्या हुआ इसमें बता सकते हो? हमारी टीम मैच नहीं जीत सकती। जीत सकी क्या है ये सकी सकी नहीं सकी कंफर्म वाली बात नहीं। यहाँ पे क्या है एसटी में क्या हो गया बताओ? योग्यता काबिलियत एंड शक्ति एंड क्षमता। Our team could not win the match. हमारी टीम मैच नहीं जीत सकी। अभी किस लिए क्या क्या हो गया मतलब क्या रीजन है भाई मतलब अभी कोई चीज को आप नहीं जीत पा रहे हो तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? हां यार टीम में प्रॉब्लम आ गई या गेम में प्रॉब्लम हो रही है आपके प्लेयर में व्हाई यू बोथ वेंट अप रीजन हो तो वीक पॉइंट बताओ ना। अगर आप टीम वीक हो आपको गेम में नहीं है टीम की को मैं वो नहीं कह रही मतलब किसी चीज को जीतने क्षमता है इसमें कैपेसिटी है ये क्या है एनर्जी वगैरह क्या है इसमें कौन सा है सेंटेंस जीत नहीं सकी। मैं उन्हें डाउट है कि कुछ तो गड़बड़ हुई इसलिए हमारी टीम जीत नहीं सकी पूरा सेंटेंस नहीं बता उससे मतलब ही नहीं है। हाँ मैं फिर जैसे ये वर्ड जानना चाहती कौन इसमें क्या काबिलियत नहीं थी तभी तो नहीं जीत पाए वो है ना वह अंग्रेजी समझ सकता है पर बोल नहीं सकता। उसके अंदर काबिलियत समझने की तो है पर बोलने की नहीं है। समझता है इसमें क्या आया किसकी वैल्यू कहाँ पर कितनी है जैसे कि गुड गुड क्यों यूज करते हैं हम पोलाइट होता है इसके अंदर बहुत एक मतलब एक
पता कि बहुत नरम मतलब एक मुझे लाइक मी क्या तुम मुझे पसंद करते हो भैया मैं ऐसे है ना हां थैंक यू सो मच आई वुड लाइक टू डू दैट है ना तो वो कहां पे यूज करते हैं जाते हैं जहां पे बहुत लाइक बंद करते हैं और ऐसे ही होती है क्या गुड गुड में क्या होता है गुड हां हां इसका रिटा इसका मतलब गुड तो बहुत ज्यादा है ये समझ लो ठीक है और मैं बताऊं क्या आपको बहुत अच्छा बताऊं जब मैं बहुत इंटरेस्टिंग से थी कंप्लीट हो गया ठीक है कैन यू स्पीक इंग्लिश यस यस आप इंग्लिश बोल सकते हो तो यहां पे क्या हो गया देखो ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट ही कांट स्पीक इट वह अंग्रेजी समझ सकता है पर वह बोल नहीं सकता लेकिन वह बोल नहीं सकता सेकंड कैन यू स्पीक इंग्लिश क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो इसमें क्या है क्वेश्चन मार्क द ब्लाइंड कैन नॉट सी द ब्लाइंड कैन नॉट सी अंधे देख नहीं सकते ठीक है नहीं देख सकते आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ अब यहाँ पे क्या आ रहा है द ब्लाइंड कैन नॉट सी अंधे देख नहीं सकते इसमें क्या है कैपेसिटी नहीं है पावर तो हो गया वेट और नॉन स्टेप्स कैपेसिटी मतलब होती है वो कैपेसिटी मतलब नहीं पावर तो आपको क्यों हो गई ना चलो कुछ भी समझ लो आप पावर समझ लो कैपेसिटी